अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, लेट एन बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, दैट विल डिवाइड मतलब जो कि डिवाइड करेगा। डिवाइड कौन करता है? डिवीजर। डिवीजर क्या होता है? फैक्टर। फैक्टर निकालना मतलब सबसे बड़ा फैक्टर निकालना है, हाइस्ट कॉमन फैक्टर। लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस देन सम ऑफ द डिजिट्स इन एन इज। हमारे पास एक नंबर ऐसा हुआ है जो कि तीनों नंबर को क्या करेगा? डिवाइड। ये एचसीएफ वाला केस है, ठीक है? कौन सा केस है? ये एचसीएफ वाला केस है, केस नंबर टू। केस नंबर टू जो कि सेम रिमाइंडर बचाता है, सेम रिमाइंडर बचाता है। हम लोगों ने इस केस के लिए पढ़ रखा है क्या कि अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है जिसमें रिमाइंडर ईच केस में सेम दिया जाए तो वो नंबर क्या होगा हम लोगों का? वो नंबर क्या होगा हम लोगों का? एन इज इक्वल टू एच सी एफ। एच सी एफ होगा किसका? 1305 जो नंबर रहते हैं ना उनके डिफरेंस का। अब यहां पे ऐसा नहीं है कि पहले अगर छोटा नंबर दिया तो छोटा वाला नंबर लिख लेंगे, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है यहां पे। यहां पे जो बड़ा नंबर है ना उससे करना है हमें, बड़ा नंबर पहले चाहे कोई भी हो, नंबर हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे पहले, कितना आएगा? 4665 माइनस 1305। फिर डिफरेंस लेंगे हम लोग किसका? 6905 माइनस 4665। ये फॉर्मूला है, ठीक है? हम लोगों का क्या कि अगर हमें एच सी एफ फाइंड आउट करना हो, और कैसे फाइंड आउट करना हो? जो हमें सेम रिमाइंडर दे दे, है ना? तो ये एच सी एफ निकालना है, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर देखो कि यहाँ पे रिमाइंडर बोला गया है क्या? रिमाइंडर अगर बोला गया है ना तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर्स का डिफरेंस ले लेंगे और एच सी एफ निकालेंगे, नंबर के डिफरेंस का एच सी एफ निकालेंगे, तब जाके हम लोगों के पास आंसर मिलेगा हमें 1305। अब देखो डिफरेंस लेना है हमें, क्या लेना है डिफरेंस? अब 4665 में से 1305 गया तो कितना होगा? 0623 2360। यहां से कितना आएगा? 0 0। और यहां से कितना आएगा? 6 माइनस 4 2 8 माइनस 6 2 10 माइनस 6 4। यहां से कितना आएगा हम लोगों के पास? 0 0। 69 माइनस 13 कितना होगा? 50। कितना हो जाएगा यहां पे? 56 56। कितना हो जाएगा यहां पे? 5 6 5600 5600। अब हमें क्या देखना है? अब हमें ये चीज देखनी है कि इन तीनों में ये यहां पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 3 3 6 0 2 2 0 4 एंड 5 6 00। अब तीनों में हमको एक चीज देखनी है, क्या चीज देखनी है यहां पे? यहां पे ये देखना है कि इन तीनों का एचसीएफ कितना है। तीनों का अगर एचसीएफ निकाल लिया ना तो वही हम लोगों का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखो यहां जीरो को नेग्लेक्ट कर दो अभी थोड़ी देर के लिए, आखिरी में हम लोग क्या करेंगे? जो एचसीएफ निकालेंगे उसमें जीरो का मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे वहां पे। तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास? देखो यहां से क्या है? 3 3 6 0 2 2 4 0 5 6 00। अब सबसे छोटा नंबर क्या है? एचसीएफ क्या होता है? सबसे छोटा नंबर या उसका फैक्टर? सबसे छोटा नंबर क्या है? 2 2 4 0 2 2 4 0। इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1 2 0। अब देखो 1 1 2 0 से हो पाता है क्या? ये 1 1 2 0 इंटू 2 इंटू 3 कर देंगे तो हाँ ये तो हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ये कितने टाइम्स हो जाएगा? क्या हो पाएगा क्या? हाँ ये 5 टाइम्स हो जाएगा। तो हम लोगों का ये क्या हो गया? यही नंबर क्या हो गया? एचसीएफ। यही नंबर क्या हो गया? एचसीएफ। कैसे? छोटा नंबर होगा या तो ये नंबर होगा या इसका मल्टीपल होगा, फैक्टर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1 2 0। ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। 2 तो सबसे छोटा हो गया ना, हमें सबसे बड़ा देखना है, हाईएस्ट तो देखना है। तो हमने देखा 1 1 2 0 हो रहा है, यहां से डिवाइड करके देखा तो हो रहा है, तो एचसीएफ आ गया 1 1 2 0। अब सम कितना आ जाएगा? सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0। कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 4 इज द आंसर। बात क्लियर है यहां तक? क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2028 एंड देयर एचसीएफ इज 13।
हम लोग बोलेंगे यहां से कि लेट द नंबर बी, नंबर मान लो नंबर बी एक्स, ए एंड बी मान लेते हैं, है ना, ए एंड बी मान लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं n1 n2 मान लेते हैं, n1 n2, तो क्लियरली रहेगा कि n1 पहला नंबर है, n2 नंबर 2 है। लेट द नंबर बी n1 एंड n2। अब क्या होगा, हमें क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2028, मतलब n1 मल्टीप्लाई बाय n2 कितना हो जाएगा, n1 मल्टीप्लाई बाय n2 कितना हो जाएगा, 2028। अब हमने ये चीज भी पढ़ रखी कि अगर HCF हमारे पास है, हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, n1 क्या होगा, n1 वही होगा ना HCF इनटू सम को प्राइम नंबर, n2 कितना हो जाएगा, HCF तो यहां भी रहेगा, तभी तो फैक्टर रहेगा ना, कॉमन फैक्टर इनटू सब को प्राइम नंबर, ये दोनों x और y क्या है, को प्राइम नंबर से यहां पे। अब देखो क्या गिवन है, HCF 13 गिवन है, इसका मतलब हो गया, ये हो गया 13x, क्योंकि HCF 13 है, ये हो गया 13y, कितना हो गया ये 13y हो जाएगा हम लोगों के पास। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग n1 और n2 की वैल्यू रख देंगे यहां पे, n1 और n2 की वैल्यू रख देंगे, कितनी हो जाएगी, n1 की वैल्यू 13x, n2 की वैल्यू 13y, कितना हो जाएगा 2028। अब 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं, हो रहा है क्या, 13 72 65 78, हाँ हो जाएगा, 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे, कितने टाइम्स जाएगा ये, 13 बचा कितना 72, 5 65 बचा कितना 78 6 156 x इंटू वाई, फिर 13 से हो रहा है कि हाँ हो रहा है, कितने टाइम्स हो जाएगा ये, 1 और 2, ठीक है, तो यहां से x इंटू वाई कितना आ गया, 12 हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां पे हम लोग x की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, क्या यहां पे x की 1 × 12 रख सकते हैं क्या हम लोग, नहीं, क्यों नहीं रख सकते, हम लोग क्यों नहीं रख सकते, यहां पे रख सकते हैं क्या, यहां पे पहले पैर लिख लेते कौन कौन से बन सकते हैं, उसके बाद देखते हैं, चलो 3 × 4, इसके बाद 1 × 12 2 × 6 3 × 4, इसके अलावा कुछ बनता है क्या, यहां से पैर कुछ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो यहां पे जो ये तीनों नंबर है ना हम लोगों के पास, ये जो तीनों नंबर से, इनमें से सिर्फ दो ऐसे नंबर है जो बन पाएंगे, क्योंकि x और y क्या है यहां पे, ये जो x और y होते हैं ना यहां पे, x एंड y आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स होते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर वो कॉमन होता तो वो तो HCF में चला जाता ना, कॉमन होता तो, जो कॉमन नंबर होता ना, अगर x और y में कुछ कॉमन होता तो वो पहले ही HCF में जा चुका है, जो कॉमन नंबर है HCF में जा चुका है, जो x और y बचा है, ठीक है, x और जो y बचा है ना वो को प्राइम नंबर है, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, अगर कॉमन होता तो HCF में चला जाता, कॉमन नहीं है। लेकिन यहां पे देखो अगर हम 2 और 6 रखेंगे तो क्या ये को प्राइम नंबर से, क्या ये को प्राइम नंबर नहीं है, तो ये वाला पेयर नहीं बन सकता हम लोगों का, ये वाला पेयर नहीं बन सकता, ऐसे नंबर देखना है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां पे ये वाला पेयर बन सकता है, ये वाला पेयर बन सकता है, तो सिर्फ दो पेयर बन सकते हैं हम लोगों के पास, नहीं तो अगर ये पढ़ा नहीं होता तो हम लोग 3 लगा देते, लेकिन यहां पे क्या है, x और y क्या है, को प्राइम नंबर से, तो यहां पे हम लोगों के लिए 2 और 6 क्या हम लोगों का आंसर नहीं हो सकता, कभी भी 2 और 6 आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा हम लोगों का, 1 × 12 और 3 × 4, तो 1 और 2 टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे ऐसे, सक्सेसफुल पेयर्स 2। व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 18, 21 एंड 30, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय मतलब डिविजिबल हो रहा है, किनसे हो रहा है, इनसे हो रहा है, ये डिविजर्स हैं, गिवन है, मतलब हमें निकालना है LCM, क्या निकालना है LCM, लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर जो बताना है हमें, n by 12, n by 18, नंबर सेम है, सेम नंबर डिवाइड हो रहा है किससे, 12 से, 18 से, 21 से और 30 से, तो वो नंबर कैसे निकलता है, ये कंडीशन बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते कि वो नंबर होता क्या है, वो नंबर क्या होगा हम लोगों का, एग्जैक्टली डिविजिबल बोला है ना यहाँ पे, मतलब रिमाइंडर की बात नहीं की है, तो हम सिर्फ नंबर निकालेंगे, कैसे, LCM निकालेंगे तो नंबर आ जाएगा हम लोगों का 12, 18, 21 एंड 30 का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। अब देखो LCM क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल, सबसे बड़ा नंबर क्या है 30, उसका मल्टीपल 21 से कब होगा, 21 से कब होगा, जो ये 210 हो जाएगा, ये अब
210 हो जाएगा ये, तभी तो यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो आना चाहिए। तो एलसीएम हम लोग यहाँ से निकाल लें या फिर ऐसे निकाल लेते हैं अगर यहाँ से कंफ्यूजन हो रहा है तो, 12, 8, 21 and 30, 2 6 12, 2 9 18, 21 नहीं होता एज इट इज रख दो 15। अब फिर किससे करेंगे, 3 से कर लेंगे हम लोग, 3 से नहीं, पहले हम लोग 2 से करेंगे, अभी 2 को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद किससे करेंगे हम लोग, 3 से कर लेंगे, 2 3 6, 9 नहीं होता एज इट इज रख दो, 21 और 15। अब क्या होगा हम लोगों के पास, 21 एंड 15 है यहां पे, अब 3 से कर दे, 3 1 3, 3 3 9, 7 times 5 times क्या होगा एलसीएम 2 का स्क्वायर। देखो इसे हम 3 से करेंगे पहले, फिर 7 5 रखेंगे, फिर 5 से करेंगे 7 रखेंगे, फिर 7 से करेंगे, इससे अच्छा यही देख लो ना, तीनों को क्या बन गए, तो को प्राइम नंबर बन गए, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 5 ये नंबर निकल के आएगा, वो कितना हो जाएगा, 4 into 9 into 7 into 5 कितना हो जाएगा ये, 5 4 20 20 into 7 6 7 9 63 कितना हो जाएगा, 1260, मतलब 1260 हमारा नंबर आ गया, जो कि क्या हो जाएगा, 1260 क्या आ गया, वो नंबर है जो कि इन तीनों नंबर, इन चारों नंबर से क्या होता है, डिविजिबल होता है, क्या होता है, कितना हो जाएगा ये, 1260 एक ऐसा नंबर है जो कि इन चारों नंबर से डिविजिबल होता है, क्लियर है। अब हमें क्या बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको डबल कर दें, नंबर इनमें से सिलेक्ट करना है जिसको डबल करने के बाद एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, तो जो आंसर आया उसको हाफ कर दें, जो आंसर आया उसको क्या कर दें, हाफ कर दें, कितना आया, 630, मतलब हम लोग उल्टा चले यहाँ पे, हम लोग 630 का डबल कर देंगे तो हम लोगों के पास ऐसा नंबर आ जाएगा जो इससे डिविजिबल है। तो हमने क्या किया, ऐसा नंबर निकाल लिया जो इससे डिविजिबल है, उसको आधा कर दिया और ऑप्शन में देख लिया, क्लियर। हम लोग यहाँ पे क्या करें, उल्टा चले यहाँ पे हम लोग, क्लियर है बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ए बी एंड सी स्टार्ट्स एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम, ए कंप्लीट्स अराउंड स्टेडियम, ए कंप्लीट्स अराउंड इन 252 seconds, लिख लेते हैं भैया ए के लिए 252 seconds, बी के लिए देखेंगे बी ने कितने टाइम में कंप्लीट किया है, बी कंप्लीट करता है 308 सेकेंड्स में, सी कितने में करता है 198 सेकेंड्स में, ऑल स्टार्टिंग एट द सेम टाइम एंड सेम पॉइंट, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। मतलब मान लेते हैं कि अगर कि ये हम लोगों के पास एक सर्कुलर ट्रैक है, पहले ए बी और सी इस पॉइंट पर थे, जब ये स्टार्ट करेंगे दौड़ना तो दोनों तीनों को अलग अलग टाइम लगता है, मतलब अलग अलग स्पीड है, अलग अलग टाइम लगता है, इसका मतलब क्या, अलग अलग स्पीड है, तो तीनों वापस से ऐसा टाइम बताइए, तीनों वापस से एक साथ एक पॉइंट पर कब मिलेंगे, मतलब जो इनिशियल पॉइंट है हम लोगों का पी मान लेते हैं, वहां पे कब मिलेंगे दोबारा से, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है ना, एक ही प्रोसेस रिपीट होती जा रही, दौड़ते जा रहे हैं, एक राउंड लगा लिया, दो राउंड लगा लिया, तीन राउंड, क्लियर। तो यहां से हमें क्या बताना है, एलसीएम निकालना है यहाँ पे, और कुछ नहीं, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है तीनों का, बस इन क्वेश्चन में बात यही रहती है कि हमें बस समझना रहता है कि कहां एलसीएम निकालना है, कहां एचसीएफ निकालना है। 252, 308 एंड 198 क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्या होगा, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम कैसे निकाले हम लोग, 252, 308 एंड 198 हम लोग डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं, जल्दी आ जाएगा हम लोगों के पास, 2 126 2 154 2 99, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 263 277 99 एज इट इज, फिर किससे होगा ये, 3 से होगा क्या, नहीं होगा,
9 से होगा क्या? नहीं होगा। किससे होगा ये? एक काम करते हैं 3 से कर लेते हैं पहले। 77 नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। 33 अगेन 3 से करेंगे। 3 7 जा 21, 3 77, 3 11 जा, फिर 7 से करेंगे, 7 1 जा 11, 11 फिर से 11 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 1 1। कितना आ गया एलसीएम? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। यहाँ से 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 इंटू 11, 3 का स्क्वायर 7 इंटू 11, कितना हो जाएगा 4 9 36 36 इंटू 77। ये क्या है हम लोगों के पास? ये हम लोगों के पास आंसर आया सेकेंड्स में, ये आया आंसर सेकेंड्स में। इसे डिवाइड कर देंगे किससे हम लोग? इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे 60 से। 36 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 77 डिवाइडेड बाय 60। क्लियर? तो ये हमें किस में आंसर दे देगा? मिनट्स में आंसर दे देगा। किस में दे देगा? मिनट्स में दे देगा। 6 6 36 6 10, ये कितना हो जाएगा? और फिर से डिवाइड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 5। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसे यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 77 इंटू 3। कितना हो जाएगा ये? 7 3 20 1 कैरी 2 231 बाय 5। अब ये हमारे पास क्या है? मिनट्स में है, मिनट्स में है। इसे क्या कर ले हम लोग? इसे 231 को डिवाइड कर लेंगे हम लोग 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो हम देख लेंगे कि यहाँ पे कितना मिनट है और कितना सेकेंड्स। 5 4 20 बचा कितना? 31। 5 6 30 बचा कितना? 1, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया देखो, 46 मिनट्स आ गया हम लोगों के पास। ये क्या है? मिनट है, 46 मिनट्स है ना। और यहाँ पे कितना आ गया हम लोगों के पास? रिमाइंडर 1। जब हम लोगों के पास मिल गया 26 42 45 46 में, तो हम लोग आगे देख क्यों रहे हैं? फिर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग? हम लोग 46 दिखा, हम लोगों ने आंसर लगा दिया, क्योंकि चारों ऑप्शन में 46 यूनिक आंसर है। सारे आंसर्स क्या है? अलग अलग है यहाँ पे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? कर भी सकते हैं, अगर 12 निकालना है ना हमें, तो हम लोग कर भी सकते हैं। 1/5 क्या होगा? यहाँ रिमाइंडर 1 बचा ना, इसका मतलब क्या है? 1/5 है ना, 1 पार्ट बचा है 5 का। मिनट में था, सेकेंड्स में क्या 12 हो गया, 12 सेकेंड्स। 46 मिनट 12 सेकेंड्स आ गया हम लोगों के पास, ये जो रिमाइंडर 1 बचा है यहां से। क्लियर? तो आंसर कितना आ गया? 46 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। क्लियर है? ठीक है, तो हमें इन क्वेश्चंस में क्या करना है? हमें बस समझना है कि यहां पे हम लोग एलसीएम यूज करें या एचसीएफ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग देम 1001 पेंस एंड 910 पेंसिल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट गेट्स द सेम नंबर ऑफ पेंस एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स। मतलब मान लो एक स्टूडेंट का नाम है रोहित, दूसरे का है मोहित, तो रोहित को जितने पेंस और जितने क्या मिलेंगे हम लोगों के पास पेंसिल्स, उतने ही मोहित को भी मिलने चाहिए। कैसे करेंगे? हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। क्या करना है इसका मतलब? डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर ग्रुप्स में डिवाइड करना है या स्प्लिट करना है। हम लोग एचसीएफ का यूज करते हैं। यहां दिख गया हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटेड, तो एचसीएफ यूज करेंगे। कुछ क्या है? कोड वर्ड्स है, या फिर कोड वर्ड्स ना बोलते हुए उन्हें हम रूट वर्ड्स बोल सकते हैं, जिनसे हमें पता लगा सकते हैं कि एचसीएफ करना है या एलसीएम निकालना है। यहाँ पे देखो, अब कैसे करेंगे हम लोग? हमें निकालना है 1001 और 9910, इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। कैसे करेंगे? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? सबसे छोटा नंबर, या फिर सबसे छोटा नंबर या उसका फैक्टर। अब इसके फैक्टर निकालेंगे कि नहीं? हम लोग दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। कितना आ जाएगा डिफरेंस हम लोगों के पास? 91। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 91। अब यहाँ वो नंबर क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा? यहाँ तो डिफरेंस होगा या उसका फैक्टर होगा। डिफरेंस क्या? 91 है। हाँ, 91 से डिवाइड होता है क्या ये? बिल्कुल होता है। कितने टाइम्स? 910 हो जाएगा जब 10 से करेंगे, प्लस 1 मतलब 11 टाइम्स, है ना। मतलब 1001 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 91 इंटू 11। और 910 को लिख सकते हैं हम लोग 91 इंटू 10। ये क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहां पे हम लोग एक चीज ये देख पा रहे हैं यहां पे
कि ये जो 91 है ना, ये हम लोगों के पास क्या है, कॉमन है, तो ये क्या होगा, HCF, तो HCF ही तो निकालना है, HCF ही तो निकालना है, HCF कितना आ गया, 91, मतलब हमें क्या करना है, 91 स्टूडेंट को बांट सकते हैं, ऐसी ये पॉसिबिलिटी है कि 91 स्टूडेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इतने पेंस और इतने पेंसिल्स को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि सभी को क्या मिले, इक्वल नंबर ऑफ पेंस एंड इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल्स। यहाँ पे एक बात और ध्यान देना कि अगर रोहित और मोहित है तो ऐसा नहीं कि रोहित के पास जितनी क्या है पेन है उतने ही पेंसिल है, ऐसा नहीं, जितनी रोहित के पास पेन है उतने ही मोहित के पास पेंसिल होनी पेन होने चाहिए, और जितने रोहित के पास पेंसिल से उतने ही मोहित के पास पेंसिल होना चाहिए, क्लियर। मतलब एक बंदे के पास 10 पेन है तो दूसरे के पास भी 10 पेन हो, चाहे वो पेंसिल की क्वांटिटी अलग हो जाए लेकिन पेन्स की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहां पे हम लोगों के पास क्या निकल के आएगा आंसर, 91। अ रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड 3.78 mm लॉन्ग एंड 5.25 meters वाइड इज टू बी पॉट एग्जैक्टली विथ स्क्वायर टाइल्स ऑल ऑफ द सेम साइज, व्हाट इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द टाइल विच कुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस। हमारे पास क्या है, कोर्ट यार्ड है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि उसमें स्क्वायर की टाइल्स बिछानी है, टाइल्स बिछानी है जो कि क्या हो, स्क्वायर हो। ये हम लोगों के पास मान लेते हैं रेक्टेंगल, ये है 5.25, ये वाली लेंथ क्या है 5.25 mm, है ना, और यहां क्या है 3.78 mm, अब हमें क्या क्या करना है, यहां पे लार्जेस्ट साइज मतलब सबसे बड़ी साइज है ना, तो हमें क्या करना है, यहां पे देखने को मिलता है कि हम लोग इस जो ये जो एरिया है इसे डिवाइड कर रहे हैं, इसे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं टाइल्स में। अब क्या करें, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहां पे हम लोग यूज करेंगे HCF, यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, HCF यूज करेंगे। HCF यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमें वो बतानी है सबसे बड़ी साइज, साइज बतानी है, सबसे बड़ी साइज बतानी है जो कि क्या करे, स्क्वायर शेप में हो और इनको फिल कर दे, ऐसा नहीं कि आखिरी में कुछ छोटी सी टाइल्स बच गई जो रेक्टेंगल बच गए, नहीं, जितना भी हम लोग कवर करेंगे ना कोर्टयार्ड वो स्क्वायर टाइल से ही होगा, वो स्क्वायर टाइल से ही होगा। तो यहां पे क्या निकालना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ टाइल्स बताइए, लेकिन हमसे पूछा नहीं, हम लोग निकाल के देख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे लार्जेस्ट साइज देखेंगे हम लोग, है ना, ये यहां पे मीटर में रहेगा, ये मीटर में रहेगा, यहां पे क्वेश्चन में गड़बड़ है थोड़ी, ये मीटर में रहा होगा क्योंकि डिवाइड करेंगे तभी तो सेंटीमीटर में, mm तो छोटा है ना, यहां पे mm तो छोटा है, हमें सेंटीमीटर में पूछा गया है, तो यहां पे मीटर में रहा होगा आंसर। क्लियर, अब देखो 5.25 meters है ना, mm में है यहां पे, यहां पे क्या होगा 525 लिख देते हैं, फिर 3.78 लिख देते हैं, 378, ये क्या हो गया सेंटीमीटर, हमने मीटर से कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, 1 meter इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमने मीटर को कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में आंसर पूछा गया तो आंसर दे देंगे सेंटीमीटर में हम लोग। अब 525 और 378 है हम लोगों के पास, हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही कर लेते हैं, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 2 × 189, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 525 के लिए, 5 × 105, ये किससे डिवाइड हो सकता है, ये 3 से हो सकता है बिल्कुल, 5 × इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 × 35, 35 को 5 × 7, यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 × 189 को, 189 को लिख सकते हैं 3 × 63, 63 को लिख सकते हैं 3 × 21, 21 को लिख सकते हैं 3 × 7, क्लियर है, यही आएगा ना, कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, उसके बाद 7 कॉमन है, क्या कॉमन है, 3 और 7, मतलब उसका जो साइज रहेगा ना टाइल्स का, स्क्वायर शेप में है, 7 × 3 = 21 सेंटीमीटर, क्लियर है। यहाँ पे व्हाट इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द टाइल, मतलब वो जो टाइल रहेगी ना हम लोगों की वो क्या रहेगी, 21 सेंटीमीटर यहां से भी और 21 सेंटीमीटर यहां से भी, क्लियर। अगर हमसे बोल दिया जाता है कि नंबर ऑफ टाइल्स बताइए, अभी तो आंसर आ गया हम लोगों को 21, अगर हमसे बोल दिया जाता कि नंबर ऑफ टाइल्स बताइए तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू,
यहाँ पे हम लोगों के लिए 5.25 है, देखो क्या है 525 है और कितना आया 21, तो 525 को 21 से डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 378 को 21 से डिवाइड कर लेंगे, या फिर ये बोल दें कि ये जो हमारे पास रिमेनिंग नंबर्स है ना, जैसे हमने 378 को क्या लिख दिया, 378 को क्या लिख दिया हमने, अगर हम इस टाइप से करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाले फॉर्म से, तो हमारे पास दोनों आंसर इजीली आ जाएंगे। देखो 378 है, क्या लिखा हमने, 21 अलग कर दिया, बचा कितना 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18, 525 के लिए अगर हम सिमिलरली ऐसे ही कर ले तो क्या हो जाएगा 21 इंटू 25, मतलब ये जो कॉमन आता है ना, ये जो कॉमन नंबर निकल के आया है, ये क्या है हमारा, ये हम दोनों का ऐसा है, दोनों का मतलब लेंथ का और विड्थ का, टाइल्स की जो स्क्वायर शेप में टाइल्स है ना, वो 21 लेंथ भी 21 विड्थ भी है, तो जो कॉमन आया ना वो किसका साइज है, टाइल्स का साइज है। और ये जो नंबर्स आए ना 18 और 25, ये एक 18 आया एक 25, ये क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना तो हम लोगों के पास क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा 18, 360 और 90, 450 टाइल्स, क्लियर। 18 इंटू 2 कितना होता है, इसे 20 प्लस 5 लिख दे तो 18 टू 360 प्लस 18 5 जा 90, तो 450 हो गया, क्लियर। तो एक टाइप का आंसर, एक आंसर पूछा जाए तो हम दोनों आंसर भी निकाल सकते हैं, ये नंबर ऑफ टाइल्स हो गई, मतलब हम 378 को यहां डिवाइड करेंगे तो 21 सेंटीमीटर की कितनी लगेगी, 1, 2, 3 कहां कब तक कितनी लगेगी, 18 लगेगी। सिमिलरली अगर इधर जाएं हम तो 1, 2, 3 कितनी लगेगी, 25 लगेगी, यहां तक कितनी लगेगी, 25 टाइल्स लग जाएगी। लेकिन हमसे सिर्फ इतना पूछा है, यहां से हम दोनों आंसर निकाल सकते हैं, दोनों आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे अभी पूछा गया है कि साइज बताना है, तो हम लोगों ने साइज क्या बता दिया, 21 सेंटीमीटर, कहां आ जाएगा ये 21 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्लियर। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 81 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। हम लोग हिंदी के लिए लिख लेते हैं पहले, हिंदी में कितने हैं 60, इंग्लिश में कितने हैं 81 और मैथमेटिक्स में कितने हैं 108, क्लियर। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, मतलब एक रूम में ऐसे हमें डिवाइड करना है, रूम पूछा गया। देखो सबसे पहले देखते हैं क्या पूछा है, रूम पूछा है, रूम में हमें कैसे डिवाइड करना है कि हर रूम में क्या हो, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मतलब एक रूम में 10 है तो दूसरे रूम में भी 10 होंगे, तीसरे में भी 10 होंगे, इस टाइप से डिवाइड करना है। और हर रूम में जो पार्टिसिपेंट्स होता है ना, वो एक ही ब्रांच का होना चाहिए, एक ही सब्जेक्ट का होना चाहिए, मतलब दो रूम हमने दे दिए हिंदी वालों को, तो दोनों में क्या होने चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए और दोनों में हिंदी वाले होने चाहिए, है ना। तो यहां से इसका मतलब क्या है, हमें डिवाइड करना है, मतलब जो स्टूडेंट है ना उन्हें डिवाइड करके ही तो वो करना है, हमें 108 स्टूडेंट्स को डिवाइड करना है, किसमें, अलग अलग रूम में बांटना है, स्प्लिट करना है, ग्रुप बनाने हैं, क्लियर। तो यहां से कितना हो जाएगा हम लोगों के लिए, यहां से हम लोग सोच पा रहे हैं कि हमें निकालना है HCF, हमें निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे पता लगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक चीज तो ये देख लो कि यहां पे नंबर छोटा है, जो गिवन नंबर है ना उनसे छोटा है नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग निकाल लेंगे HCF। अगर LCM होता तो उन नंबर से भी बड़ा होता, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर और उसका मल्टीपल होता तो वो तो बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन ऑप्शन में हमें छोटा छोटे नंबर्स दिए, तो ये छोटे नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टर ही होते हैं, तो HCF निकालना है ना। HCF क्या होगा, 60 को अगर हम लिख दें, देखो दोनों टाइप से आंसर आ जाएंगे, यहाँ पे दोनों टाइप से आंसर आ जाएंगे। अगर हम डिवीजन मेथड को फॉलो करते हैं तो हम लोगों के पास सिर्फ एक आंसर निकल के आता है, लेकिन अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड को फॉलो करते हैं तो दोनों आंसर आ जाएंगे साथ में। देखो ये 60 है, क्या है, हिंदी वालों के लिए 60 मतलब 2 इंटू 30, 30 मतलब 2 इंटू 15, 15 मतलब 3 इंटू 5, क्लियर। 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60। 81 की बात कर लें अगर हम, तो 3 इंटू 27, 27 मतलब 3 इंटू 9, है ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है, 3 3 9, 9 81। फिर देखें 108 के लिए,
टू इंटू 54, 54, 2 इंटू 7, ठीक है 54 होगा ना, 2 इंटू 27, 27 मतलब 3 का क्यूब। अब यहाँ पे HCF निकालना है हम लोगों को, क्या निकालना है, HCF निकालना है, क्या होगा 2 आएगा क्या, नहीं 3, 3, 3, यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम लोगों के पास क्या आ गया, HCF कितना आ गया 3, HCF कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 HCF आ गया इसका मतलब क्या है, 3 HCF आ गया इसका मतलब क्या है, मतलब एक रूम में 3 रहेंगे, कितने रहेंगे एक रूम में 3 स्टूडेंट रहेंगे, मान लो ये हिंदी वालों के लिए है तो 60 है टोटल, तो दो रूम में 6 हो जाएंगे, दो रूम में 6 हो जाएंगे, कितने रूम लगेंगे टोटल, टोटल हिंदी वालों को कितने रूम लगेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 20, 20 यहां से भी आ सकता था, 5 2 10 2 20, 3 × 20 लिख सकते हैं इस चीज को, है ना, इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 × 27, और इसे क्या लिख सकते हैं 3 × 36। अब देखो ये तो हिंदी वाले के लिए आ गया, किसके लिए, ये आ गया हिंदी वाले के लिए, अगर इंग्लिश वाला भी बोलेगा कि मुझे भी करके बताइए तो फिर, तो इंग्लिश के लिए भी कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, एक रूम में कितने होने चाहिए 3 होने चाहिए, एक रूम में 3 होने चाहिए, यहां भी एक रूम में 3, अब ऐसे कितने रूम होंगे यहां पे, 81 डिवाइडेड बाय 3 27, यहां से 27 आ गया, यहां से 20 आया था, यहां से 27 आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से 36 भी तो आएगा, मैथ्स के लिए, मैथ्स के लिए कितना आ जाएगा, मैथ्स के लिए कैसे करेंगे हम लोग, 3 3 के रूम में बांटना है, एक रूम में 3 होंगे, जो कॉमन है वही रखेंगे ना हम लोग 3 3, ठीक है, जो पूछा जाए वो ऑब्वियस सी बात है कि कॉमन ही रहता है मैक्सिमम टाइम, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में उसकी लैंग्वेज क्या है, वो क्या पूछ रहा है हमसे, अब 3 है हम लोगों के पास, है ना, 3 3 कितना हो जाएगा, 108 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है यहाँ पे 36, देखो यहां से भी 36 आ गया, मतलब 3 3 की क्या रहेंगे, बैचेस रहेंगे, मतलब एक रूम में 3 स्टूडेंट, दूसरे में 3, तीसरे में 3, मतलब सभी रूम्स में कितने स्टूडेंट रहेंगे, 3 3, कितने रहेंगे 3 3 रहेंगे यहां पे, क्लियर, आंसर कितना आया था हम लोगों का, आंसर कितना आया था, क्या पूछा हमसे, इन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हिंदी, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स पूछे हैं, मिनिमम कितना हो जाएगा ये 20 + 27, देखो यहां से एक चीज निकाल ली हमने, 3 3 3 क्या है, कॉमन है, कॉमन है यहाँ पे, HCF था बिल्कुल, मतलब एक रूम में 3, अब यहां से हिंदी में अगर एक रूम में 3 होते हैं तो टोटल 20 रूम लगेंगे, 27 36, 20 + 27 + 36 कितना हो जाएगा ये 13 83 रूम हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 83 रूम्स हो जाएंगे यहाँ पे, क्लियर है बात यहां तक, कितने हो जाएंगे 83 हो जाएंगे, ऑप्शंस में गलत है यहाँ पे, सेम नंबर, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इन ईच रूम, द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम इन द सेम सब्जेक्ट, तो यहां से कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा, यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, क्लियर है, फिर से समझ लेते हैं, हिंदी इंग्लिश और मैथमेटिक्स में क्या स्टूडेंट सेमिनार के लिए जाते हैं, उन्हें क्या रूम अलॉट करने हैं, हिंदी में कितने स्टूडेंट है 60, इंग्लिश में 81 और मैथमेटिक्स में 108, हमें क्या निकालना है, स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना है इसका मतलब HCF लेना है, क्या हो जाएगा 2 2 4 4 3 12 12 5 60, क्लियर, 3 3 9 9 3 27 3 81, कॉमन तो क्या निकल के आएगा 3 निकल के आएगा ना, इसके अलावा कुछ आएगा क्या 3, बिल्कुल नहीं आएगा, HCF 3 आ गया, मतलब एक रूम में 3 रखना है, दूसरे में 3, तीसरे में 3, ऐसे टोटल हिंदी वालों बच्चों के लिए कितना रूम लगेंगे 20 20, यहां कितने लगेंगे 27, यहां 36, तो ऑप्शन आएगा हमारा 83, यहां पे ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, हम लोगों का आंसर कितना आ गया 83, क्लियर है बात,